तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की टॉपिक में से हम बात करेंगे रिपोर्ट क्रिएशन विद पिवट टेबल। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेटा एनालिसिस में या डेटा समराइजेशन में पिवट टेबल का क्या रोल है, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पिवट टेबल एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी से समझिए कि पावर बीआई ने पिवट को ही बेस लेते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने पिवट का ही बेस लेते हुए पावर बीआई और पिवट का ही जैसा टैबलू ऐसे सॉफ्टवेयर्स निकल चुके हैं जो कि पिवट बेस्ड है। पिवट जैसा तो नहीं है बट बेस्ड ऑन पिवट है, उसका स्ट्रक्चर पिवट से मिलता जुलता है। सो पिवट टेबल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो चलिए आज हम इसी चीज से आपके साथ डिस्कस करते हैं और मेरे साथ आसिफ अब्बासी जी हैं अफगानिस्तान से और सुरेंद्र जी है दिल्ली से। शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन देता हूं। तो एक बात जान लीजिए कि आखिर पिवट टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पिवट टेबल से पहले हम जानते हैं कि हमारा कोई रिपोर्ट क्या होता है, किसी तरह का जो रिपोर्ट आपका होता है वो रिपोर्ट आखिर होता क्या है। रिपोर्ट होता है, अगर हम रिपोर्ट की अगर हम ए निकाले डेफिनेशन निकाले तो रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा। रिपोर्ट को हम कह सकते हैं समरी ऑफ द डेटा। और पिवट टेबल का अगर डेफिनेशन निकाले तो पिवट टेबल का डेफिनेशन होता है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर समराइज द डेटा एनालाइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो डेटा को अपने हिसाब से समराइज करना एनालाइज करना एंड रिप्रेजेंट करना दैट कॉल्ड पिवट टेबल। तो चलिए एक छोटा सा डेटा हम आपके साथ लेते हैं, उसी डेटा पे हम बात करते हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के लिए जरूरी है डेटा को समझना। अगर आप डेटा को नहीं समझते हैं तो पिवट टेबल को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले डेटा को समझना जरूरी है। तो एक डेटा हम यहां से ओपन करते हैं जो अच्छा खासा डेटा हो। तो जो आपके सामने डेटा दिख रहा है ये डेटा एक सिंपल सा सेल्स का डेटा है। माफ कीजिएगा ये आगे स्क्रीन थोड़ा सा। तो पिवट टेबल के लिए पहले क्या करना होता है, डेटा समझना होता है। तो आपने समझा कि डेटा जो है हमारा सेल्स का डेटा है। दूसरा चीज है कि पिवट टेबल में लगाते समय आप चेक कर लीजिएगा कहीं डेटा में पूरा का पूरा रो ब्लैंक तो नहीं है। जैसे कि पूरा का पूरा अगर रो ब्लैंक है तो पिवट टेबल लगाने से पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिवट टेबल लगाएंगे। अगर आप डेटा सिलेक्ट नहीं करते हैं डायरेक्ट पिवट लगा देते हैं तो पिवट आपका इतना ही एरिया में लगता है, इसके आगे पिवट नहीं लग पाता है। सो जब आप अगर इस तरह के पिवट आप लगाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा इसका। उसके बाद अगर मान लीजिए ब्लैंक ना हो तो फिर आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आपको इसमें देखना होगा कि आपका कोई हेडिंग ब्लैंक ना हो। अगर हेडिंग पूरी तरह से ऐसे ब्लैंक हुआ तो पिवट आपका लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है। सो हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फिर मैं इसको इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट में आता हूं पिवट टेबल, और पिवट टेबल में मैं जस्ट कुछ नहीं करता हूं, जस्ट ओके कर देता हूं। अब आपके सामने एक नई शीट पे आप देखेंगे कि ये आपका पिवट एरिया है और ये आपके फील्ड है। हमने आपको बोला था कि फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, वो ऐसा इसीलिए बोला था कि आपका अगर फील्ड ब्लैंक होगा तो ये चीजें लगी नहीं। तो यहाँ पे आपको पिवट टेबल फील्ड दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए
और यहाँ पे मेरा वीडियो चल रहा होगा तो उसको सिलेक्ट करके मूव कर दीजिएगा ताकि दिख जाए, क्योंकि तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे वीडियो होता है तो दिखता नहीं है सर। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि पिवट टेबल लगाने से पहले आपके सामने यहाँ पे एक आता है रिकमेंडेड पिवट टेबल। अगर रिकमेंडेड पिवट टेबल है तो इसका क्या यूज होता है? इसका यूज होता है कि जब आप इसको ये करेंगे, यूज करेंगे, तो आपको बताएगा कि आपके डेटा में से कितने नंबर्स ऑफ पिवट लग सकते हैं। आप यहां क्लियरली देख सकते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ पिवट लग सकते हैं। तो जो पिवट आपके पसंद का है, जो आपके रिक्वायरमेंट का है, पसंद तो नहीं, जो आपके रिक्वायरमेंट का है, उस पिवट को यहां से सिलेक्ट कीजिए और आप उसको अप्लाई कर दीजिए। ओके कर सकते हैं, तो आपका पिवट अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि रिकमेंडेड पिवट टेबल क्या होता है? वो होता है कि आपका जो डेटा है, डेटा के ऊपर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे पिवट क्या लगेगा, तो आपको बना बनाया रिपोर्ट, आपको बहुत सारे सिंपल रिपोर्ट दे देगा, जो आपके लिए सुटेबल लगता है उसको यूज कर सकते हैं। अब पिवट लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहते क्या। पिवट क्यों लगा रहे? एक समरी बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो मुझे जस्ट ये पता करना है कि किस रीजन में कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुआ है, और आप ये भी पता समझिए कि आखिर में इंफॉर्मेशन निकाल क्यों रहे हैं, क्या बेनिफिट है। तो रीजन वाइज मुझे अगर क्वांटिटी पता चल जाएगा तो मैं उनके स्टॉक का उसी हिसाब से इस्तेमाल करूंगा कि किस रीजन में ज्यादा सेल हो रहा है, तो उसी के आसपास मैं स्टॉक भेजूंगा। तो मुझे यहाँ पे हाईएस्ट पता करना है कि किस रीजन में कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुआ है। सिंपल सा मतलब कि अगर पिवट से ना निकाले तो हमें यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ेगा यूरोप, फिर मुझे यूरोप का टोटल करके यहाँ पे उसका टोटल लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ऐसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका ऐसा स्पेसिफिक करना पड़ेगा। लेकिन पिवट इसको इजीली कर देता है, बस पिवट टेबल एंड ओके। मैं यहाँ से रीजन को सिलेक्ट किया और इसको उठा के सीधे नीचे ड्रॉप कर दिया। तो डेटा में देखिए एक रीजन कई बार रिपीटेड है, बट आपके समरी में सिर्फ वन टाइम आया है, क्योंकि यह समरी बन रहा है तो यहाँ पे वन टाइम ही आएगा। उसके बाद मुझे चाहिए इससे क्वांटिटी का टोटल, तो जिसका टोटल होता है उसको हम किसमें रखते हैं? वैल्यू में। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम ऑफ द वैल्यू आ गया। अब जरूरी नहीं कि हमेशा रो में ही रखेंगे, हम इसको कॉलम में रखेंगे तो हमारा कॉलम में इसके हिसाब से डेटा आएगा, रो में रखेंगे तो रो में आएगा। तो हमें लिस्ट के लिए रो एंड कॉलम में चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जैसा आपकी जरूरत पड़ेगी उस तरह से। उसके बाद जिससे हमें टोटल करना है उसको वैल्यू में रखेंगे। अब टोटल में क्या सिर्फ सम ही होगा? जी नहीं, टोटल में बहुत सारे कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ साइड में जो एरो की का निशान है उस पर जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाएंगे, तो यहाँ आपको दिखेगा सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, जो चीजें दिख रहा है वो चीज आपको दिखेगी। तो मुझे अगर मान लीजिए एवरेज चाहिए कि एवरेज पर रीजन कितना सेल है, तो पता चल जाएगा कि 49 सेल है। कंट्रोल जेड कर दिया। अब इसकी बात आती है कि क्या हम रिपोर्ट ऐसे ही भेज देंगे? हम इसको थोड़ी सी फॉर्मेट कर दें, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल लिखा हुआ है, बट यहाँ पे तो रीजन होना चाहिए ताकि पता चले। तो मैंने यहाँ इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो पिवट टेबल में जो वैल्यू आती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके और यहां पे टोटल से। अब मुझे इसमें क्या करना है? मुझे मान लीजिए इसको विजुलाइजेशन देना है, तो इसी में आपको देखिए पिवट टेबल एनालाइज में आपके सामने दिखेगा पिवट चार्ट। पिवट चार्ट भी लगा देते हैं। यह जरूरी नहीं कि पिवट चार्ट लगाने में वहां पे जाए, हम जो नॉर्मल चार्ट जो लगाते हैं ना उस नॉर्मल चार्ट को भी लगा सकते हैं।
जब चार्ट लगा लेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी होगी, तो यहाँ डिजाइन में जाइए और जो फॉर्मेट सुटेबल लगता है आपके रिपोर्ट के लिए उस फॉर्मेट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब आपकी रिपोर्ट तैयार है। इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो देखिए डेटा को, पिवट के डेटा को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप जो नॉर्मल फॉर्मेट है वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर बोर्ड वगैरह, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। सलाह ना देने के पीछे रीजन ये है कि ये फॉर्मेट जब आपका पिवट अपडेट होगा, रिफ्रेश होगा, तो ये फॉर्मेटिंग जो है अपडेट नहीं होगा। मतलब मान लीजिए अभी अपने फॉर्मेट लगाया 9 तक, कल्चर डेट में डेटा अगर मान लीजिए 15 तक आ गया तो 15 तक आपकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्मेट है, ये आपके डेटा के साथ लिंक नहीं है। शो यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा सा। तो यहां हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर डिजाइन दिख रहा होगा पिवट टेबल में, एक नया मेनू, जब पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा, अगर बाहर रखेंगे तो नहीं दिखेगा। पिवट टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके जो है दो मेनू बार बढ़ जाएगा, पहला पिवट टेबल एनालाइज, दूसरा पिवट टेबल डिजाइन। डिजाइन में आएंगे तो यहाँ बहुत सारे पिवट टेबल के प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आसानी से इस फाइल को किसी को मेल कर दीजिए, आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पता चल रहा है कितना एक्चुअल सेल है, और उसको फिगर आउट में देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका इज द बिगेस्ट है। तो सुरेंद्र जी एंड आशीष जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, क्लियर है। आशीष जी कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं सर, नहीं। तो हमने क्या किया, सिंपल एक डेटा को समरी बना लिया जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप अब डेटा से क्या होगा, हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना सर। जैसे मान लीजिए ना कि आप आपकी पर डे मान लीजिए 200-300-400 इनकम होता है, तो अगर मैं 365-360 का पूरा शीट दे दूं तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा ना। उसी को आप मंथली बता दे कि आप तो मंथ में जो है आपका जो है 10,000-20,000-50,000-60,000 ऐसे इनकम हुआ है, तो अगर अच्छा समझ में आता है, और जिस मंथ में कम होता है तो हम उस पर रिसर्च करते हैं कि आखिर इस मंथ में कम क्यों हुआ। इसलिए हमेशा रिपोर्ट समरी होता है। अब चलिए कुछ और बनाते हैं इसमें, और कुछ पिवट के कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे निकालना है कि किस रीजन के किस इंडस्ट्री में कितने किस कौन सा प्रोडक्ट किस एवरेज रेट से गया है। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस सिटी का कौन सा इनिशियल प्रोडक्ट किस कितनी क्वांटिटी किस रेट पे गया है, एवरेज रेट पे गया है। तो हम इसके लिए पिवट टेबल लगाते हैं। सबसे पहले तो हम यहां प्रोडक्ट को यहां रखते हैं, प्रोडक्ट नहीं है ना, रीजन को यहां रखते हैं, और इंडस्ट्री को हम कॉलम में कर देते हैं, और क्वांटिटी को हम यहां रख देते हैं। तो यहां हमें पता चल गया कि किस रीजन में कौन सा इंडस्ट्री कितना कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है। बट मुझे यहां पे एमआरपी का भी एवरेज चाहिए, तो एमआरपी को उठा के हमने वैल्यू में रखा, क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन है इसलिए। फिर वैल्यू सिंथेटिक में गया और यहां पे हमने एवरेज कर दिया, क्योंकि सम था बाय डिफॉल्ट, ये हमारा एवरेज हो गया। अब इसमें एक चीज और करना है, ये तो हमारा एवरेज निकल गया, बट ये रिपोर्ट थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं कि इंडस्ट्री को उठा के यहां रीजन में रख देंगे, अब थोड़ा सा रिपोर्ट ठीक दिख रहा है। एक चीज और है, मैं यहाँ से एवरेज एमआरपी हटा देता हूँ, तो आप जो है रो एंड कॉलम के हिसाब से रिपोर्ट बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम में आप उसी रिपोर्ट को रखिएगा, चाहे उसी फील्ड को रखिएगा जिसमें बहुत कम कम लेजेंड हो, कम आइटम्स हो, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये आपका सामने में आई तक जा रहा है। अगर मान लीजिए 500 होता तो बहुत दूर तक चला जाता, इसको नेविगेट करने में, रिपोर्ट को देखने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम नीचे या कर देते हैं तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम नहीं, आराम से कॉल किया जा सकता है। दूसरी चीज इसमें एक चीज और आता है, जब आप
सेकेंडरी एक्सेस डाल देते हैं, तो इसमें आता है कि ये आपके पास कोलैप्स और एक्सपेंड आ जाता है, या पिवटेबल एनालाइज में आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कोलैप्स एक्सपेंड से बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि आपको बहुत बड़ा रिपोर्ट है, बहुत बड़ा डेटा है, तो आप कोलैप्स कर दीजिए, स्मॉल दिखेगा। अभी क्या दिख रहा है, एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, रीजन वाइज टोटल दिख रहा है। और मुझे मान लीजिए साउथ अमेरिका के देखना है कि भाई 2324 किस किस से आया है, तो मैं यहाँ साउथ अमेरिका को एक्सटेंड कर लूंगा, तो पता चल जाएगा कि इसके जो जो सिटीज है, जो भी रीजन है, वो रीजन मुझे यहाँ पता चल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, यहां से एक्सपेंड, यहां पे टोटल। और मान लीजिए कभी ऐसी जरूरत पड़ी मुझे कि जो यहां आपका मान लीजिए जो फाइनेंस है, यूरोप के अंदर फाइनेंस में 1956 का सेल हुआ है, अब मुझे इसमें पता ये करना है कि इसके टोटल डेटा क्या है, माने किस 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 डेटा से आपका ये बना है मुझे। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा में जाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और फिर यहां से अपना देखते हैं यूरोप और फाइनेंस चेक कर देते हैं। ओके, ये रहा। लेकिन अगर आप पिवट यूज कर रहे हो तो जस्ट डबल क्लिक करें इस पे। जैसे जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो एक नई सीट इंसर्ट होगी, और उस नई सीट में पूरा का पूरा डेटा आपका आ जाएगा। ओके, तो एक नई शीट में आपका पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। अब बाजी जी, समझ में आया आपको? यस सर। तो डेटा आप यहां इजीली ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे आदमियों का एक छोटा सा हैबिट होता है डबल क्लिक करने का। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको डबल क्लिक करने का एक हैबिट होता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए गलती से उन्होंने डबल क्लिक कर दिया तो एक नया शीट निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डबल क्लिक करने पे हमारा रिपोर्ट जो है आगे ना निकले, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे इससे पिवट टेबल ऑप्शन पे, और पिवट टेबल ऑप्शन में हम यहाँ डेटा पे आएंगे, और यहाँ पे दिख रहा है अनेबल शो डिटेल्स, जो अनेबल है उसको अनचेक कर दीजिए, ये डिसेबल हो जाएगा। अब मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करूंगा, मुझे मेरा नहीं दिखेगा, कहीं भी क्लिक करूंगा तो नहीं दिखेगा। ओके, आया समझे सर? यस सर। ओके, ये हमारा पिवट टेबल का समराइजेशन है। अभी क्या है, अब बाकी जी कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट आए नहीं है,